Good morning all the students. Myself, Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss in session 4. Chapter is Internet and its application. Aaj hum log session 4 mein, jo chapter hai Internet and its application, we will discuss some topic. Aaj hum log kuch topic pe discuss karenge, theek hai? These are the topic we will discuss today. Ye itne topics hai, aaj hum log iske bare mein discuss karenge. The first topic is creating an email. कैसे ईमेल को क्रिएट करते हैं, ठीक है? कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है? यूजिंग एन ईमेल ऐप अकाउंट, यानी हम लोग ईमेल अकाउंट को कैसे यूज करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में देखेंगे. देन कंपोजिंग एन ईमेल, जब हमारा ईमेल तैयार हो जाता है, यूज करते हैं, तो उसमें कंपोज कैसे करते हैं. जब मैसेज हमें भेजना हो किसी यूजर के पास, तो उसमें कंपोजिंग के जरिए हम अपने मैसेज को ईमेल के थ्रू भेजते हैं. उसके बाद सेंडिंग एंड रिसीविंग एन ईमेल, कैसे हम अपने ईमेल को सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे सामने वाले से, ठीक है? तो इस टॉपिक में देखेंगे. और सबसे लास्ट है आपका टॉपिक रिप्लाइंग टू एन ईमेल, कैसे अगर किसी का ईमेल हमारे पास आता है तो उसे रिप्लाई कैसे देंगे, ठीक है? इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे. सो वी विल डिस्कस दीज टॉपिक टुडे. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला है क्रिएटिंग एन ईमेल, वो कैसे होता है, ठीक है? वो कैसे हम लोग तैयार करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट? टॉपिक इज क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, ठीक है? कैसे हम ईमेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले हमें अपना ईमेल अकाउंट बनाने के लिए ईमेल सर्विसेज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, कौन सा? जीमेल. अभी जो सबसे पॉपुलर जो आपका ईमेल सर्विस चल रहा है वो है जीमेल के नाम से. तो हमें कैसे हम अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे वो हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहला स्टेप में हमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? इंटरनेट ब्राउज़र होना चाहिए. इंटरनेट ब्राउज़र पे जा कर के उसके URL पे हम लोग क्या करेंगे, www.gmail.com टाइप करेंगे, ठीक है? उसके बाद ब्राउज़र हमारा वो पेज को शो करेगा, ठीक? दिख रहा है यहाँ पे, ब्राउज़र हमारा वो पेज शो करेगा. अब वहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, हम लोग क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पे जाएंगे. कहाँ जाएंगे? क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे. उसके बाद आपका एक साइन अप फॉर्म अपीयर होगा. साइन अप फॉर्म देख रहे हैं यहाँ पे, साइन अप फॉर्म होगा ये. जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ये जो विंडो है यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किए तो हमारा एक साइन अप आपका फॉर्म अपीयर होता है. साइन अप में आपका नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, उसको आपको फिल करना होता है. उसके बाद आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करते हैं. करने के बाद आप अपना डिज़ायर यूज़र नेम चूज़ करते हैं. उसके बाद जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है, इट विल नॉट एक्सेप्टेड एंड यू विल बी ट्राई टू न्यू यूज़र. अगर आप यूज़र नेम देते हैं, अगर ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, उस यूज़र नेम को आपको रिजेक्ट करता है, तो आपको कुछ दूसरा यूज़र नेम देना होता है. फिर उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करना होता है, एटलीस्ट एट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन. किसका किसका होना चाहिए? अल्फ़ाबेट का, डिजिट का और सम स्पेशल कैरेक्टर का. इसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, उसी पासवर्ड को रीटाइप करेंगे कन्फर्म बॉक्स में. उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर वहाँ पे पूछेगा, फ़ोन नंबर, रिकवरी ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारे कॉलम आपको फिल करने होंगे. फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट बटन का ऑप्शन आता है, ठीक है? नेक्स्ट बटन का ऑप्शन आने के बाद एक विंडो अपीयर होगा, ठीक है, दिख रहे हैं यहाँ पे, प्राइवेसी एंड टर्म विंडो अपीयर हुआ. वहाँ पे आपको उसे पढ़ना होगा केयरफुली. उसके बाद आप उसे एग्री करेंगे बटन पे. जैसे ही एग्री करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है एग्री बटन, तो जाकर के आपका वो वेलकम स्क्रीन अपीयर हो जाएगा जीमेल का, और क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन कर करके आपका जीमेल तैयार हो जाएगा. इस तरीके से आपने अपना ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग एन ईमेल अकाउंट, कैसे हम अपना ईमेल अकाउंट यूज़ करते हैं. जब हमारा ईमेल अकाउंट तैयार हो जाता है, आफ्टर वी क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट इन जीमेल, वी यूज़ सेंड एंड रिसीव ईमेल्स.
जब हमारा ईमेल तैयार हो जाता है तो हम वहाँ पे अपना ईमेल को सेंड करना, रिसीव करना, हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। टू यूज़ द ईमेल अकाउंट वी यू मस्ट लॉगिंग यूज़ योर ईमेल आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जब आपको ईमेल अकाउंट यूज़ करना हो तो आपके पास ईमेल आईडी, यूज़र नेम होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप साइन इन करते हैं, ठीक है, जैसे ही साइन इन करेंगे आपका वो क्या होगा, साइन इन जीमेल अकाउंट पे स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन यू साइन इन योर अकाउंट या न्यू ईमेल अकाउंट विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे एक न्यू विंडो खुल जाएगा आपका ईमेल अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आपका एक ईमेल अकाउंट का एक विंडो अपीयर हो गया। ये है आपका ईमेल, यानी जीमेल, जो अभी पॉपुलर, अभी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये जीमेल अभी पूरा चल रहा है, ठीक है। ये है जीमेल का इंटरफेस। यहाँ पे जीमेल का इंटरफेस दिख रहा है आपको। जैसे ही आप करते हैं साइन इन करते हैं तो आपका इस तरीके का जीमेल इंटरफेस तैयार होता है, दिखता है। तो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं, सेलेक्ट का, रिपोर्ट स्पैम, मूव टू, मोर, अचीव, डिलीट, लेबल्स। सेलेक्ट का, यू सेलेक्ट का ऑप्शन क्या कहता है, इट अलाउ यू टू सेलेक्ट ईमेल विद द ऑप्शन ऑल, नन, रीड, अनरीड, स्टार्ट, अनस्टार्ट। व्हेन एन ईमेल इज ओपन देन दिस बटन चेंजेस टू बैक टू द इनबॉक्स बटन। सेलेक्ट का मतलब आप इनबॉक्स में से जाकर के कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ऑल मैसेजेस को, या रीड मैसेज को, अनरीड को, स्टार्ट या अनस्टार्ट को, वो आपको सेलेक्ट ऑप्शन के जरिए यहाँ दिख रहा है आपको सेलेक्ट, ठीक है। रिपोर्ट इज ऐप, रिपोर्ट स्पैम, रिपोर्ट स्पैम क्या कहलाता है, दिस ऑप्शन मार्क्स द सेलेक्टेड ईमेल एज स्पैम। ये रिपोर्ट स्पैम आपको सेलेक्टेड ईमेल को ही आपके सामने रखता है, और जो भी सेलेक्टेड ईमेल होते हैं स्पैम का रूप होता है वो स्पैम फोल्डर में जाकर के सेव हो जाता है। ये आपका यहाँ पे स्पैम का दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे होता है स्पैम, रिपोर्ट स्पैम का। और मान लीजिए आपका इंटरनेट के थ्रू या कहीं से भी कोई अननोन सोर्स के थ्रू आपका वो ईमेल आता है तो वो स्पैम फोल्डर में जाके स्टोर होते हैं। मूव टू, दिस ऑप्शन चेंज सेलेक्टेड ईमेल्स टू द डिजायर फोल्डर। मूव टू का कहने का मतलब आप जो भी ईमेल को अपना मूव करना चाहते हैं किसी भी फोल्डर में, आप मूव टू का ऑप्शन से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर, क्लिकिंग ऑन द बटन डिस्प्ले वेरियस बटन्स सच एज मार्क एज रीड, मार्क एज नॉट इम्पॉर्टेंट। मोर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे मार्क बटन रीड करने का और मार्क नहीं करने का बटन, ये आपको मोर ऑप्शन में जाकर के दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लेबल, इट हेल्प यू टू मार्क द सेलेक्टेड ईमेल विद द डिजायर लेबल। अगर आप कोई ईमेल को सेलेक्ट करते हैं तो उसे आप मार्क देते हैं, यानी लेबल करते हैं कि ये हमारा डिजायर स्पेशल ईमेल है जिसे हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेबल के थ्रू। अब आता है डिलीट ऑप्शन। अब आप चाहते हैं कि हमारा कोई भी ईमेल डिलीट करना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में जा करके उसे डिलीट कर सकते हैं, और वो डिलीटेड मैसेज आपका जो क्या होगा ईमेल का, थ्रैश फोल्डर में जा करके चला जाएगा। थ्रैश मतलब रिसाइकिल बिन में। आर्चीव, इट रिमूव द सेलेक्टेड ईमेल फ्रॉम द इनबॉक्स सेंड टू द ऑल मेल फोल्डर। आर्चीव में आप आर्चीव का ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, आपको रिमूव करता है सेलेक्टेड ईमेल्स को और वो फिर वापस उसी जगह पे आपके मेल को भेज देता है, चाहे वो इनबॉक्स हो, सेंड में हो या ऑल मेल फोल्डर्स में हो, वो सारा फिर वापस वहीं चला जाता है। कंपोजिंग एन ईमेल, कैसे हम अपने ईमेल को कंपोज करेंगे, ठीक है। राइट अ न्यू ईमेल, क्लिक ऑन द कंपोज बटन। तो आप सबसे पहले कंपोज बटन पे जाते हैं, यहाँ पे आपको कंपोज ऊपर दिख रहा है, कंपोज बटन उस पर क्लिक करते हैं जो आपके लेफ्ट कॉर्नर में जीमेल पे है, ये दिख रहा है आपको। अ न्यू मैसेज विंडो अपीयर, ये आपका न्यू मैसेज का विंडो अपीयर हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस रेसिपेंट यू वांट टू सेंड, यहाँ पे टू में उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस देना होगा जिनको आप भेजना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, आप अपने ईमेल का सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, क्या होना चाहिए सब्जेक्ट आपके ईमेल का, वहाँ सब्जेक्ट एरिया में देना है, ये हो गया। उसके बाद ये आपका कंटेंट एरिया, यानी यहाँ पे आप मैसेज एरिया में आप अपना मैसेज से कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में बता देते हैं। इफ़ यू
want to send same email to various people. अगर एक email को हम various people के पास भेजना चाहते हैं तो Gmail आपको वो three options provide करते हैं, वो facilities provide करते हैं कि आप एक से ज़्यादा उसी email को भेज सकते हैं. Two, you can type multiple email address separated by commas to sending the emails by many recipients. आप two में आप एक साथ बहुत सारे email addresses को भी add कर करके with the comma आप यूज़ कर सकते हैं, यानी एक बार में डिफरेंट यूज़र को भी आप टू में कॉलम में एंटर कर करके आप वो ईमेल को भेज सकते हैं. सीसी का मतलब, यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन सेंड द सेम ईमेल टू सेवरल रेसिपिएंट एट द सेम टाइम. कार्बन कॉपी, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी. ये ऑप्शन यूज़ होता है कि आप सेम ईमेल को दूसरे रेसिपिएंट के पास भेजना चाहते हैं. BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी. दिस ऑप्शन इज सेम एज कार्बन कॉपी. ये सेम एज अ कार्बन कॉपी होता है, लेकिन ये डिफरेंस होता है, रेसिपेंट ऑफ द BCC फील्ड आर नॉट विजिबल टू द रेसिपेंट टू टू एंड सी फील्ड. यानी जो रेसिपेंट को हम भेज रहे हैं BCC में, यानी जो यूज़र को भेजेंगे वो शो नहीं होगा टू और CC फील्ड को, यानी वो टू और CC फील्ड को दिखेगा नहीं, सिर्फ वो BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के रेसिपेंट को ही दिखेगा. This option used only when the list of recipient not be shared with other. यानी हम उस particular recipient को ही भेजना है जिसको हम securely तरीके से भेजना चाहते हैं. Write the message, message area में message को type करेंगे, लिखेंगे. उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर कोई file को attach करना हो, document को, images को, link को, तो आप यहाँ पे option देख रहे हैं ये clip का, यहाँ पे आप अटैचमेंट का ये क्लिप देख रहे हैं, इसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट, फाइल, इमेजेस कुछ भी अटैच करके भेज सकते हैं. द नेक्स्ट इज सेंडिंग ईमेल. यू कैन, वंस यू हैव कंपोज्ड एन ईमेल, अगर आप एक बार कंपोज्ड कर लिए हैं, आप सेंड बटन पे जाते हैं जो सबसे ऊपर पे होता है न्यू मैसेज के पास, ठीक है. यहाँ पे देख रहे हैं सेंड ऑप्शन का बटन, यहाँ पे सेंड ऑप्शन का बटन आता है. आप वहाँ जैसे ही आपका मैसेज तैयार होता है, ईमेल तैयार होता है, तो आप डिलीवर करते हैं अपने मेल को उस ईमेल एड्रेस पे. व्हेन यू सेंड आर ईमेल अ कॉपी इज ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन द सेंट फोल्डर. जैसे ही आप उस ईमेल को भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो वो आपका कॉपी सेंट फोल्डर में जा करके स्टोर हो जाता है. यू कैन रिफर द फोल्डर वेन एवर यू नीड टू व्यू रिसेंट फॉरवर्ड सेंट. आप अगर आप चाहते हैं कि उस मेल को आप देखना चाहते हैं या रीसेंड करना चाहते हैं या किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वो सेंड फोल्डर में ऑलरेडी जाकर के स्टोर हो जाता है. रिसीविंग एन ईमेल, कैसे हम रिसीव करेंगे. रिसीव, ऑल द रिसीव मेल्स आर यूज्ड इन द बॉक्स अलोंग विद द डिटेल्स सच एज सेंडर नेम, सब्जेक्ट लाइन, टाइम, डेट एंड ईमेल इज रिसीव्ड. यानी रिसीव्ड मेल में आप जाएंगे जहां इनबॉक्स है आपका, उसमें सारा डिटेल आएगा, सेंडर का नाम, सब्जेक्ट क्या है, टाइम कब हुआ भेजने का उधर से, डेट क्या था जो आपने रिसीव किया ईमेल. दे आर अरेंज इन क्रोनिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब, यानी वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है आपका ईमेल, विच मीन्स द न्यू ईयर ईमेल आर फॉलोड बाय द ओल्डर वंस. जो भी न्यू आएंगे वो उसके ऊपर चला जाएगा, यानी जो ओल्डर होगा वो नीचे की ओर आपका शिफ्ट होता चला जाएगा, और न्यू ईमेल रिसीव जो होंगे वो ऊपर की ओर. टू ओपन एनी ईमेल इन द इनबॉक्स हाउएवर ओवर योर मैसेज व्हेन द कर्सर चेंज इनटू द हैंड सिंबल. अगर किसी ईमेल को आप इनबॉक्स में जा करके आप क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो आपका वो जो सिंबल होगा कर्सर का वो चेंज हो जाएगा हैंड सिंबल में. क्या हो जाएगा, हैंड सिंबल में, और उस पर बस क्लिक करना है, आपका वो मैसेज क्या होगा, ओपन हो जाएगा आपके इनबॉक्स में ही. दिस रिसीव्ड, द रिसीव्ड ईमेल में कंटेन अटैचमेंट. आपका वो जो रिसीव्ड ईमेल होगा उसमें आपका अटैचमेंट इंडिकेट करेगा, अगर कोई अटैचमेंट अटैच होगा तो, बाय द पेपर क्लिप आइकन, ये दिख रहा है पेपर क्लिप आइकन, उसके जरिए आपको वो वहाँ अटैचमेंट दिखेगा. द इनबॉक्स हैज़ थ्री टैब. इनबॉक्स में तीन तरीके के टैब होते हैं, प्राइमरी, सोशल एंड प्रोमोशन. प्राइमरी टैब, दिस टैब कंटेन द ईमेल फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कलीग्स. ये टैब आपका ईमेल में आपके कॉन्टैक्ट से जुड़ा होता है, यानी अगर कोई फ्रेंड्स भेजा हो या फैमिली मेम्बर या कलीग, तो वो प्राइमरी टैब में वो ईमेल आपका स्टोर हो जाए. सोशल टैब, दिस टैब कंटेन ईमेल फ्रॉम द सोशल मीडिया, इफ़ यू हैव द क्रिएट अ प्रोफाइल सच एन सच प्लेटफॉर्म. सोशल टैब का यूज होता है कि अगर आपने सोशल मीडिया पे अपना जीमेल अकाउंट
एक्टिवेट किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, तो उसके सारे मैसेजेस, सारे ईमेल आपके सोशल टैब में दिखेंगे। प्रमोशन टैब, दिस टैब कंटेन द ई कॉमर्स रिलेटेड ईमेल लाइक प्रमोशनल ऑफर्स। ये टैब आपके ई कॉमर्स यानी अगर कोई भी जैसे ई कॉमर्स से रिलेटेड आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसके अगर ईमेल्स आएंगे तो आपके प्रमोशन टैब में जा कर के होंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू परफॉर्म एनी एक्शन और एन ई मेल विदाउट ओपनिंग इट, देन सेलेक्ट द चेकबॉक्स नेक्स्ट टू द डिज़ायर एन ई मेल इनबॉक्स। यू सेलेक्ट द चेकबॉक्स, जी मेल एक्टिवेट टूल बार ऑन द टॉप ऑफ द ई मेल लिस्ट डिस्प्लेइंग वेरियस ऑप्शन कैन बी परफॉर्म एन ई मेल, फॉर एग्जाम्पल डिलीट, फ्लैग, मूव टू फोल्डर, एक्सेट्रा। अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ एक्शन परफॉर्म हो आपके ई मेल में बिना खोले कोई भी मैसेज ई मेल को, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि आपके जस्ट डिस्प्ले करता है, जैसे ही आप जीमेल एक्टिवेट करते हैं तो आपके सबसे ऊपर ईमेल लिस्ट के सबसे ऊपर टूल बार होता है, उस टूल बार में आपको सर्टेन एक्शन परफॉर्म होने का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होता है, जैसे आपका डिलीट, फ्लैग, मूव टू फोल्डर, ये सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड होते हैं। अब आता है रिप्लाइंग टू ईमेल, कैसे हम रिप्लाई करते हैं, तो उसके लिए सर्टेन स्टेप्स को देखेंगे। क्लिक ऑन द ईमेल यू वांट टू ओपन, उस ईमेल को खोलिए, उसके बाद क्लिकिंग ऑन इट विल ओपन द ईमेल मैसेज विंडो। उसके बाद आप उस मैसेज को ओपन करेंगे, यू विल फाइंड रिप्लाई ऑल फॉरवर्ड ऑप्शन विल राइट बिलो द मैसेज। जैसे ही आप उस मैसेज को ओपन करते हैं तो आपका ये तीन ऑप्शन दिखता है, रिप्लाई ऑल फॉरवर्ड। अगर रिप्लाई करना चाहते हैं रिप्लाई करेंगे, या रिप्लाई सभी को करना चाहते हैं तो वो रिप्लाई ऑल का आएगा ऑप्शन, और फॉरवर्ड इस मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड का रूप आएगा। रीड द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड यूजिंग द अबव मेंशन, रीड पहले मैसेज को रीड करेंगे उसके बाद रिस्पॉन्ड देंगे। क्लिक ऑन द रिप्लाई एरो, आपके ईमेल को रिप्लाई देना हो तो ये रिप्लाई एरो को क्लिक करेंगे तो आपका वो रिस्पॉन्ड होगा मैसेज के रूप में। उसके बाद सिंपली क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द मैसेज। उसके बाद रिप्लाई बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिप्लाई हो जाएगा। न्यू कंपोज विंडो अपीयर जस्ट बिलो द ओरिजिनल मेल, एक नया विंडो जो आप क्रिएट करते हैं जैसे ही आप उस मैसेज को रिप्लाई करते हैं, तो एक नया मैसेज विंडो अपीयर होता है ओरिजिनल मेल के जस्ट नीचे। ऑब्जर्व द रेसिपिएंट ईमेल विल एड्रेस ऑटोमेटिकली बी देयर, वहाँ पे रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे दिखेगा। वंस यू हैव कंपोज्ड यू व्यूड योर रिप्लाई एंड क्लिक द सेंड बटन, जैसे ही आप उसे कंपोज करते हैं, व्यू करते हैं, तो आपका वहाँ नीचे सेंड बटन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपका वो रिप्लाई के रूप में वो मैसेज चला जाता है। इस तरीके से आप अपने मैसेज को कैसे रिप्लाई करते हैं ईमेल के थ्रू, वो अभी आपने देखा। तो इस तरीके से आपने कैसे ईमेल को क्रिएट किया, कैसे यूज़ किया, कैसे कंपोज किया, कैसे सेंड और रिसीव किए अपने ईमेल को और रिप्लाई किए, वो आपने अभी देखा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।